बहुत अच्छे से जानकारी दिया। कुछ तो विजन क्लियर हुआ कि डीएक्शन क्यों करना चाहिए, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ, अभी के पार्ट थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा समय उसको क्लियर करने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले तो हमारे इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म के फाउंडर हमारे डॉक्टर लिन सियोरिन, एक बार इनके जोरदार ताली बजाइए सब लोग। साथ ही साथ हमारे गुरु, हमारे मेंटर जो हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का काम करते हैं, बहुत सारे नॉलेज देते हैं, और कोई नहीं, हमारे डॉक्टर डबल डायमंड अशोक कुमार यादव सर हैं। तो एक बार हमारे ग्रुप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो बहुत सारे अभी तक हम लोगों को जानकारियाँ मिल चुकी है, और थोड़ा थोड़ा मैं जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ प्रोडक्ट के बारे में, कि हमारा जितने भी प्रोडक्ट है हमारे लिए क्या क्या फायदा करती है। तो मैं छोटे भी दे दूंगा, और लास्ट में जो है आप कुछ बहुत कन्फ्यूजन होगी तो आप जरूर पूछ लीजिएगा अपने अपलायंस से, अपने फिर हमसे भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो जैसे कि मेरा समस्या था गैस्ट्रिक का, तो गैस्ट्रिक का समस्या मेरा डीएक्शन का प्रोडक्ट से ही ठीक हुआ। और अजय सर ने बहुत अच्छे से बता दिया कि एक कदम बाकी था, नहीं तो एक कदम पीछे था नहीं तो मैं कैंसर तक पहुंच जाता। उन्होंने बताया कि रिएक्शन से ही ठीक हुआ, रिसर्च में 100% मेरा जो अल्सर का समस्या था रिएक्शन का प्रोडक्ट प्रयोग करके ही ठीक हुआ, चाय और स्पारुलिना। इससे पहले ड्राइविंग सेंटर में काम करता था, और उस समय जब मेरा समस्या बढ़ा तो मैं यही रिएक्शन का प्रोडक्ट डीसी गारंटी और स्पारुलिना प्रयोग करके एक महीने के अंदर में जो मेरा अल्सर का समस्या था वो ठीक हो गया यही प्रोडक्ट से। उसके साथ साथ इसके बारे में और भी जानकारी मैंने लेने के प्रयास की किया, लखनऊ गया, भैरावा मेडिकल से वहाँ पे मीटिंग में गया, बड़े बड़े सेमिनारों में गया, तो ये पता चला कि इस प्रोडक्ट से सिर्फ गैस्ट्रिक ही नहीं, अल्सर ही नहीं, बहुत सारे लोग बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो मैं कुछ कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगा आप सभी को। तो जो हमारा ये ऋषि गारंटी है, इसमें गैनोडर्मा यही जड़ी बूटी मिलाकर बनाया गया है। अगर इस गैनोडर्मा चाय को हम लोग प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, पेट साफ करेगा, उसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करेगा, उसके साथ साथ गैस की समस्या होगी, कब्जियत की समस्या होगी, और महेशी का समस्या हो गया, ब्लड प्रेशर हाई का समस्या हो गया, शुगर का समस्या हो गया, सभी समस्या से छुटकारा दिलाने का काम करता है ये डीएक्शन का चाय, ठीक। उसके साथ साथ जो हमारे पास में है नेक्स्ट प्रोडक्ट स्पारुलिना, अगर इसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे शरीर को कितनी भोजन चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, सभी विटामिन ये स्पारुलिना पूरा करने का काम करता है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे शरीर के लिए डेली प्रत्येक दिन हमारे शरीर के लिए 46 किस्म का भोजन की जरूरत होती है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, क्योंकि उनका जो खाना है वो इम्बैलेंस हो चुका है, खाना संतुलित भोजन उनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से 46 किस्म के भोजन नहीं मिल पा रहे। अगर हम स्पारुलिना खाते हैं तो हमें 46 किस्म का भोजन मिलने लगता है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सभी का भोजन मिलने लगती है, और सभी अंग प्रत्यंग बहुत अच्छे से काम करती है, हमारा सिस्टम अच्छे से काम करता है। जब हमारा सिस्टम अच्छा होता है तो पूरा हमारा शरीर अच्छा हो जाता है, तो हर रोग बीमारी में ये काम करता है। उसके साथ साथ मुख्य रोगों में अगर बात किया जाए तो जैसे महिलाएं संबंधी समस्या हो गया, जैसे कि मींस का गड़बड़ी हो गया, सेतो पानी झरने समस्या हो गया, ऐसा समस्या जो है सफेद पानी की समस्या, ऐसा समस्या में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। शरीर में खून की कमी है, खून को कमी को दूर करने का भी काम करता है। उसके साथ साथ हमारा लीवर, लीवर के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर मजबूत करने के लिए भी बहुत अच्छा है, लीवर टानिक के रूप में भी हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा है। और मैं थोड़ा थोड़ा बताऊँगा आप सभी को, क्योंकि समय ऑलरेडी जा चुका है, क्योंकि हमारे पास हमारे जस्ट गौरव यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ग्रेट मेंटर, एक ग्रेट लीडर हमारे ग्रुप, अभी तो उनको सुनना बाकी है, तो मैं ज़्यादा नहीं समय लूँगा। उसके साथ साथ हमारे पास में है लिंची ब्लैक कॉफ़ी, 2-in-1 कॉफ़ी, अगर हम लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शुगर
जिसे बैलेंस रखेगा, ब्लड प्रेशर लेवल को बैलेंस रखेगा, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, उसके साथ साथ गैस्ट्रिक का समस्या हो गया, अल्सर का समस्या हो गया, सभी समस्याओं में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। अगर नहीं है समस्या, शरीर में नहीं है समस्या, तो समस्या को कभी नहीं आने देता है। अगर इसे हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं, आखिर हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं, चाय कॉफी तो पीते हैं, है कि नहीं? तो उस चाय कॉफी और चाय और कॉफी को हम लोग छोड़ के अगर डिएक्शन का कॉफी चाय और पीने लगेंगे तो क्या होगा कि हमें आने वाले समय में बहुत सारे जो रोग बीमारी समस्याएं हो रही हैं वो समस्याएं से हम लोगों को बचाने का काम करेगा ये डिएक्शन का कॉफी। ठीक है, बहुत सारे लोग डर डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं कि पानी को समस्या है, उसको समस्या हो गई, इसको समस्या हो गया, शुगर का समस्या हो गया, प्रेशर का समस्या हो गया, हमें भी ना हो जाए, इस तरीके से डर है कि नहीं? डर डर के जी रहे हैं कुछ लोग। अगर हम लोग डर डर के नहीं जीना चाहते हैं, स्वस्थ मस्त होना चाहते हैं, तो डिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग अगर इस्तेमाल करेंगे तो हमें डर डर के जीने का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है डर डर के जीने का, क्योंकि हमारे पास है ज्ञानोधर्म से बनाया हुआ बहुत सारे प्रोडक्ट। तो यही चीज हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हमको डर डर के जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हमारे लिए बना दिए हैं हमारे डॉक्टर लिप सिरोदी, मैं चाहता हूँ एक बार उनके लिए दिल से ताली बजाइए, दिल से। तो और भी प्रोडक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अश्वगंधा, इसे भी हम लोग अगर प्रयोग करेंगे तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करता है और शुगर प्रेशर में भी बहुत अच्छे से काम करता है और पौरो शक्ति जो है उससे बढ़ाने का काम करता है। तो बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और भी प्रोडक्ट यहाँ पे है हमारे पास में, अमलाखी है, अमलाखी मतलब गैस्ट्रिक का समस्या हो गया उसे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, फायदा मिलता है, और कब्जियत में भी इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी फायदा मिलता है। उसके साथ साथ इसमें विटामिन सी का मात्रा बहुत ज्यादा है जो कि हमारे इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने का काम करता है, और इसे हम लोग प्रयोग करेंगे तो हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारी बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसे प्रयोग करके हम लोग फायदा ले सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास में यहाँ पे है ब्राह्मी, ब्राह्मी जितना प्रोडक्ट मैंने बताया शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन ये सबसे अच्छा सबसे अच्छी चीज क्या है, भगवान ने हमें दिया है हमारा दिमाग, है कि नहीं? शरीर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन दिमाग अच्छे से नहीं काम करेगा तो क्या होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारे दिमाग को सही रखने के लिए, हमारे दिमाग का जो ताकत है उसे बढ़ाने के लिए, फोकस पावर को बढ़ाने के लिए ब्राह्मी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। इसे इस्तेमाल करेंगे हमारा माइंड पावर को बूस्ट करता है, माइंड पावर को बढ़ाता है, फोकस पावर को बढ़ाता है, और हमारा जो मानसिक टेंशन होता है उसे भी दूर करने का काम करता है ब्राह्मी। तो बहुत अच्छा चीज है, इसे थोड़ी थोड़ी मैं बात करूंगा, ज्यादा नहीं। और उसके साथ साथ यहाँ में अर्जुना, अर्जुना ये भी नया प्रोडक्ट है, इसे ये किसके लिए अच्छा है, ये दिल के लिए अच्छा है, जिसे अपने दिल से प्रयोग क्या है, किसको दिल से प्रयोग क्या है बताइए, और किसको नहीं है, सबको है ना। अगर आप तो अपने दिल से मोहब्बत है, प्यार है, तो इसे जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि आपकी जो दिल का सेहत बनाए रखने में मदद करती है, आपका जो दिल है, दिल का जो मांसपेशियां होते हैं उसको मजबूत करती है। बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि दिल बहुत ज्यादा धड़कता है कि नहीं, और बहुत सारे लोगों का दिल बहुत लो, बहुत कम धड़कता है, तो ऐसे ऐसे समस्या में बहुत अच्छे से ये फायदा करता है। ठीक है, तो हम लोग इसे बच्चे को भी दे सकते हैं, हर एक उम्र के व्यक्ति को इसे दे सकते हैं, जो कि दिल के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा, हमारे सामने बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और अगर इसे हम लोग प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, हर रोग बीमारी ठीक होगी, थायराइड, यूरिक एसिड, प्रेशर, गैस्ट्रिक, गठिया, माइग्रेन, पोक्सो, कैंसर, पोक्सो वाला समस्या हो गया, ठीक है, हर रोग में सभी जो है प्रोडक्ट काम करती है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूंगा, ये रोगों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, रोगों के लिए बना हुआ प्रोडक्ट
तक नहीं है लेकिन हर रोज में काम करती है। नहीं इसने म्यूजिक चलाया। बताइए, हर रोज में काम करती है तो बहुत अच्छा है। और मैं चाहूँगा कि एक बार इन सभी प्रोडक्ट के लिए एक बार जोरदार ताली लगाइए। कोई दवा नहीं है, ये क्या है, फूड सप्लीमेंट है, हर आदमी खा सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बीमार आदमी हो, स्वस्थ आदमी हो, हर आदमी, मेरिट कपल हो, स्टूडेंट हो, हर आदमी, हर उम्र के व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, जितना खाएंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। तो प्रयोग करना चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो पैसा बचा के रखिएगा। आज जो ये पंखा चल रहा है, जो घर में पंखा चलता है ना, पंखा जब चलता है तो उसका बहुत कम बिल आपको देना पड़ता है, लेकिन आप जब बीमार हो जाते हैं तो वही पंखा का हवा खाने के लिए आपको लाख रुपए तक खरीदने का जरूरत पड़ सकता है, हॉस्पिटल में है कि नहीं? यस सर, पड़ सकता है। बहुत सारे लोग देते हैं, बिल चुकाते हैं। आज आप अपने घर में जो जिस बेड में सूखते हैं, सोते हैं, उस बेड का एक रुपया भी नहीं आपको देना पड़ता, बिल चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप बीमार होते हैं आने वाले समय में, तो आपको वही बेड, उसी तरह का बेड में सोने के लाखों रुपया का बिल चुकाना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो एसी लगा हुआ होता है घर में, जो एसी लगाते हैं हम लोग ना, हाँ, तो उसका जो बहुत कम मात्रा में बिल आप देते हैं, चुकाते हैं, तैयार रहिए। जब बीमार लगेगी, आपका हर एक अंग प्रत्यंग जवाब देने लगेगा, जब आप हॉस्पिटल में होंगे और उसी एसी का हवा खाने के लिए आपको लाखों रुपए का बिल चुकाना पड़ेगा। तो रख दीजिए 10 लाख 20 लाख, रख दीजिए अभी से। तो 10 लाख 20 लाख रुपया अभी से रखना अच्छा है या फिर अभी से प्रोडक्ट प्रयोग करना अच्छा है? अभी से ही चीज, उतना तो कोई भी नहीं। आज के डेट में देखा जाए, मुश्किल से बहुत सारे लोगों के अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, 20,000 मुश्किल से है। तो अगर हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा हॉस्पिटल में जाए, डॉक्टरों के पास जाए, नहीं चाहते हैं, तो अभी से, आज से ही डीएक्सएल का प्रोडक्ट यूज करना, इस्तेमाल कर दीजिए। नहीं तो मैं जो भी बातें किया वो तो आपको उतना ही बिल चुकाना पड़ेगा। किडनी अगर खराब होगी तो 50 लाख रुपया लगेगा, है नहीं है? और लगेगा भी तो काम करेगा या नहीं करेगा, कोई गारंटी नहीं है। फेफड़े में कैंसर होगी तो उसकी तो कोई जवाब नहीं है, नो आंसर। तो अभी से ही हम डीएक्सएल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। डीएक्सएल का जो सिस्टम है, इसको समझेंगे, बूझेंगे और आगे बढ़ेंगे। स्वस्थ रहेंगे तभी हम लोग स्वस्थ रहेंगे, तभी हम लोग मस्त रहेंगे, तभी हम लोग हमेशा खुश रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। तो मैं इतना ही, और थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। आज के डेट में बहुत सारे लोग चार तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जो कि एक हो गया यस, मतलब इम्प्लॉयमेंट, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मजदूरी का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या हो गया इम्प्लॉयमेंट, और ये ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता है। और उसके साथ साथ नेक्स्ट में आता है यस सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद की व्यापार जो करते हैं, सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, नौकरी हो गया, नर्स हो गया, वकील हो गया, टीचर हो गया, ये क्या है सेल्फ इम्प्लॉयमेंट, छोटा मोटा व्यापार हो गया सेल्फ इम्प्लॉयमेंट। तो इसमें भी क्या करते हैं बहुत सारे लोग, ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं, इसमें एक्टिव इनकम करते हैं। जब काम करते हैं तब पैसा आता है, काम नहीं करते हैं पैसा नहीं आता है। और नेक्स्ट में एक होता है तीसरा नंबर में कि खुद का बिजनेस, एक बड़ा सा दुकान खोलते हैं, मॉल
मार्ट खोलते हैं जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हमें एक ही जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास में पैसा होता है, 20 लाख 30 लाख करोड़ रुपया होते हैं और उसको लगाने करते हैं, फिर उनको पैसा आता है। और यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को जो है पैसिव इनकम आता है, पैसिव इनकम। और चौथा हो गया इन्वेस्टर, जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, करोड़ रुपये हैं, लगानी कर देता है और उसको हर महीने पैसा आता है, काम नहीं करता है पैसा आता है, पैसिव इनकम। तो इस कैटेगरी में लोगों को 5% पैसा आता है और इस कैटेगरी में लोगों को जो कि काम नहीं करते हैं, लगानी कर देते हैं, वहाँ पे 95% पैसा आता है। तो इस कैटेगरी में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन पैसा 5%। तो इस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? नहीं, हम किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? बी वाला, है कि नहीं? अगर बी वाला कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो हमारे पास होना चाहिए पैसा, कितना? ज्यादा पैसा, 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़, है? नहीं है, नहीं है ना? नहीं है तो यहाँ भी आप फेल हो गए, यानी कि आपको फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहीं पे जाना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग यहीं पे जाके फंस जाते हैं और 5% पैसा में ही जीवन बिताते रहते हैं, जीवन काटते हैं। तो हमें जीवन काटना है या फिर जीवन जीना है? जीवन जीना है ना। अगर जीवन जीना है, अगर इस कैटेगरी में हम लोग आना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? डी एक्शन। उसका सोल्यूशन है डी एक्शन। यहाँ पे हम लोग इस कैटेगरी में हम लोग जा सकते हैं और यहाँ पे पैसिव इनकम कमा सकते हैं और हम लोग के पास में 95% आ सकता है अगर हम लोग डी एक्शन का काम करेंगे। डी एक्शन क्या है? सोल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन है डी एक्शन। तो किस कैटेगरी में आना है हमें? इस कैटेगरी में। और यहाँ पे कैसा इनकम मिलता है? पैसिव एक्टिव दोनों इनकम मिलता है डी एक्शन से। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और आप लोग दिल लगा के और विश्वास करके और हमें इसमें काम करना होगा। अगर विश्वास करके इसमें काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे और एक्साइटमेंट होना चाहिए हमारे अंदर, आग लगना चाहिए। अगर आग उस तरीके का आग है, आग लगा के काम करेंगे तो ज़रूर आप इस प्लेटफॉर्म में सफल हो जाएंगे। तो मैं अपना वाणी को मैं यहीं पे विराम करता हूँ और हमारे मार्च में हमारे साथ में हैं हमारे गुरु, हमारे मेंटर, और हम उनको सुनने आए हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेंगे, मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बात करूँगा। अगर उनके बारे में बात किया जाए तो वो एक डॉक्टर ही हैं, बहुत सालों से बहुत सालों तक उन्होंने जो है फार्मास्यूटिकल दवाई बनाने का काम भी उन्होंने किया, अपना मेडिकल चलाने का भी काम किया। और जब उनकी घर में समस्या आई, उनका पिताजी का समस्या गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, जब कहीं से भी नहीं ठीक हुआ, अपना खुद का मेडिकल से भी नहीं ठीक हुआ, और उन्हें मिला उस टाइम पर उन्हें मिला डीएक्शन, और डीएक्शन का उन्होंने कॉफी पिलाया, डीएक्शन का बाहर मिला जब उन्होंने किया तो क्या हुआ कि उनका गैस्ट्रिक का, उनका पिताजी का गैस्ट्रिक का समस्या 1 महीने के अंदर ठीक हो गया। और क्या हुआ, जब यही चीज़ बताने लगे, यही चीज़ लोगों को समझाने लगे, तो डीएक्शन का जो अपना मेडिकल था, अपना मेडिकल को जो दवा था वो कम बिकने लगा और डीएक्शन का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकने लगा। डीएक्शन से 50,000 का इनकम आने लगा उनको, 50,000 का इनकम आने लगा, तब अपना मेडिकल को बंद करके आज डीएक्शन में काम कर रहे हैं। 10 साल हो गया डीएक्शन में, 10 साल हो गया, मेडिकल बंद हो गया किसके कारण से? डीएक्शन के कारण से। बताइए, डीएक्शन ने बंद करवा दिया, लेकिन खुशी का बात यही है कि डीएक्शन ने बंद कराया तो डीएक्शन ने दिया सर को 1 लाख रुपए महीने कमाने का मौका। आज बोला जाए कि सर को 1 लाख महीने का इनकम आता है। तो क्या सभी लोग चाहते हैं कि मेरे खाते में भी
एक लाख महीने का इनकम आए चाहते हैं? यस। क्या आप सब लोग उनको सुनना चाहते हैं? यस। उनको बुला दूं? यस। तो हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट लीडर हैं अशोक सर, और मैं उनको चाहूंगा कि सर आप आए और एक बार सर के लिए अपने जगह से उठ के एक बार जोरदार ताली लगा के स्वागत करिए सर। कम मन नहीं थे सर। चाहिए ना? और कुछ चाहिए? कहा चाहिए? कहा
चाहिए जल्दी बताइए, स्पेशल नए लोग और ये मेंबर लोग जो स्टार नहीं बने हैं, उनसे छोटे छोटे लोग पहली बार आए उनको बताना चाहिए। कुछ सपने हैं जिंदगी में, कुछ करना चाहते हैं, देखिए कुछ नहीं करना चाहेंगे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, खटिए में बैठे रहिए, खटिए में बैठे रहिए, घर पे आराम करिए, झाड़ू पोछा करते रहिए, बर्तन धोते रहिए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, मिलेगा ही नहीं कुछ, चाहिए नहीं तो इसलिए मिला ही नहीं। हम और आप फिल्मों में हीरो हीरोइन नहीं बने, हम और आप फिल्मों में हीरो हीरोइन नहीं बने, क्यों नहीं बने, बनना ही नहीं गए, चाहते ही नहीं थे बनना, अगर सच में चाहते तो कहीं ना कहीं जाके ऑडिशन देके आते ना, नाच उसके आते ना, सिंगर बनना चाहते तो कहीं जाकर गाना पूरा गा के आते ना, फुटबॉल में ऑडिशन होता तो वहां पे पहुंचते ना, चाहते तो पहुंचते, चाहते नहीं थे गए ही नहीं, सिंगर बने ही नहीं। जिंदगी में जब कुछ भी नहीं चाहेंगे ना, मिलेगा ही नहीं, चाहेंगे तो मिलेगा ही नहीं, अंदर से चाहत आना पड़ेगा, अंदर से चाहत आना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि फुटबॉल में जाके गाना गा के सबके सामने स्टेज पे सभी जज को इंप्रेस करके अपनी गाने की ताकत को वहां पे दिखा सकते हो तो जाओ फॉर्म भरो सारा काम करो, तो अंदर से चाहत रहेगा तो यहाँ पे अपने जगह पे उसी भटका नहीं रहेगा, वो फुटबॉल तक जाएगा और बोलेगे काठमांडू में है ऑडिशन, काठमांडू भी जाएगा, उसकी चाहत वहां तक लेके जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों को ये चीज बोलूंगा दोस्त, ये दुनिया बदलने का काम उन्हीं लोगों ने किया है जिसके अंदर चाहत थी, जो जिंदगी बदलना चाहते थे, और आप भी अगर बदलना चाहते हैं तो उसको जुबान पे लाइए। बोलते हैं ना सरस्वती जी कभी ना कभी यहाँ पे विराज करती हैं, विराजमान हो जाती है ना, तो जब बोलेंगे तो जैसे बोले तैसे, जितना ज्यादा बोलेंगे मौका उतना ज्यादा है कि इस बात सच हो जाएगा, अब बोलेंगे ही नहीं, मजा है क्या, चाहिए तो चाहिए, चाहत ऐसी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले हम लोग अपने सपने बनाए, क्योंकि सपने बिना बनाए हम लोगों की जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। सपने क्या है आपके, उसको खंगाल डालिए। अभी तक हमारे साथियों ने बताया कि रिएक्शन से स्वास्थ्य भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, देश विदेश की यात्राएं भी मिलेंगी, घूमघाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, यही तो चाहिए, और कुछ चाहिए क्या, यही तो चीज हम लोगों को सभी लोगों को चाहिए। किसी को पैसा काट रहा है क्या, नहीं चाहिए पैसा, अरे पैसा, अरे बाप रे, किसी को पैसा काट रहा है पैसा, हाथ उठाइए किसको काट रहा है पैसा, ज्यादा हो गया पैसा, बहुत ज्यादा हो गया, कहाँ खर्चा करें है कोई। अगर आपको ऐसे निकाल के 10 लाख रुपया दें तो कौन है ऐसा जो लेना नहीं चाहे, नहीं सर 10 लाख अगर 10 लाख देना हम चाहें तो कोई है जो लेना ही नहीं चाहेगा, सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, 10 लाख से क्या क्या हो सकता है, अच्छे आप कपड़े खरीद सकते हैं, मम्मी पापा के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, जिस स्कूल में आप डाल नहीं सकते उस स्कूल में डालने की ताकत आ जाएगी, आपके पहिरन बदल जाएंगे, अच्छे अच्छे घर गहना इधर लटकेगा, कंगना इधर बड़ू हो जाएगा, इधर लटके होगा कि नहीं होगा, अरे भाई घर गहना लगाएंगे कितने का लगाएंगे, 50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एकदम लग लीजिए, बाकी पैसा फिर भी बच गया, अरे यार पैसा बच गया क्या करें, चलो बाबू तुम आ जाओ बोर्डिंग स्कूल में, तुम वही बैठे वही पढ़े, तो हर सारा चीज उनके वो करिए, उनके सेवा, मम्मी पापा अरे आरजीजीएल खाएंगे, मम्मी पापा लीजिए, अरे आरजीजीएल इतना सस्ता, ये इतना 1 लाख रुपए का थोड़ी पड़ रहा है, इतना सस्ता आरजी ये लीजिए, अरे छोड़िए तो छोटका नहीं बड़का, बड़का भूजा जैसे खाइए, जितना मन करिए उतना ऐसा दे सकते, पैसा रहेगा तो दे सकते हैं कि नहीं, और नहीं रहेगा तो चाहते हैं मगर पैसा है नहीं तो कैसे खाएं, बहुत महंगा बसर नहीं खा पाए, कंपनी को गाली देंगे, कंपनी को उल्टा पुल्टा बोलेंगे, दुनिया वाले को सभी लोगों को बोलेंगे, मगर जिंदगी नहीं बदलेगा, जिंदगी अगर सच में बदलना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, जिंदगी में सपने बनाने पड़ेंगे,
अंदर से वो चाहत लाना पड़ेगा कि इस जिंदगी में मरने से पहले मुझे मेरे जिंदगी में ये चीजें पूरा करना है, कॉपी में लिख डालिए और काम करिए, 100% संभव है। यहाँ पे वो सारे सपने जो आप देख सकते हो वो सारी की सारी यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। गाड़ी, बैंक बैलेंस, घर, जमीन, देश विदेश की यात्राएं, मान सम्मान, कोई भी चीजें। आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हमारे प्रशांत वर्मा सर है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली, तालियों में दम नहीं है, तालियों में और भी दम चाहिए। लखनऊ से हम लोगों के लिए बड़ा समस्या झेलते हुए यहाँ पे आए, सोनोली तक पहुंचे। हम लोग बाइक में रवाना हुए, जाते हुए रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया। ये हाथ आप देख पा रहे हैं, हमारा हाथ एक्सीडेंट हो गया, अच्छे से नहीं चल पा रहा था, बाइक चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो बैंडेज लगाए। सर का जो है वो पाँव में ज्यादा चोट लग गया, खड़ा होना उनका दिक्कत हो गया, इसलिए उनको मजबूरन हम लोग वापस भेजना पड़ा, तो वापस चले गए। मगर मैं बताना चाहूंगा जो यहाँ पे आ रहे थे वो क्या हैं? सबसे पहले तो वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, होम्योपैथ के। होम्योपैथ के क्या हैं? डॉक्टर हैं। कुछ लोग खोजते हैं ना डीएचएल में डॉक्टर, तो ये डॉक्टर हैं। हम ही छोटे मोटे डॉक्टर हैं, एलोपैथ के हैं, ये होम्योपैथ के हैं। ऐसे अलग अलग कैटेगरी के डॉक्टर हमारे डीएचएल में बहुत लोग हैं। उसके साथ में ये 25वां मलेशिया जो है कंटेस्ट क्वालिफाई करके मलेशिया घूम के आ चुके थे, फिर इस बार अभी अभी ये 30वीं मलेशिया कंटेस्ट क्वालिफाई करके घूम के फिर से आए हैं। तो 30वीं सालगिरह जो है इन्होंने अभी मना के जस्ट अपने घर पे पहुंचे थे लखनऊ में,